हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो भैया, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से हम भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो भैया, अपने ज़िंदगी के बारे में जो भी स्ट्रगल रहा है ना, जो भी अनुभव हुआ है, हम आप लोग से थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत ऐसे छोटे बड़े भाई बहन हैं जो कि टूट जाते हैं स्ट्रगल करते हो। भाई देखो, ज़िंदगी में कुछ पाना है ना तो थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ता है भाई। ये हम नहीं, सबको करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, कोई भी अगर नौकरी के लिए भी अगर कोई काम करता, पढ़ाई करता, वो भी एक स्ट्रगल समझिए, क्योंकि पढ़ाई भी स्ट्रगल है, क्योंकि एक लक्ष्य रखना पड़ता है। अगर आदमी पढ़ता है ना तो उसका एक, हर एक आदमी का कोई लक्ष्य होता है। लक्ष्य उसी का कुछ नहीं होता जिसको कोई फिक्र नहीं होता घर परिवार का, और जिसको फिक्र होता है ना भाई, उसका हर आदमी का लक्ष्य होता है। और भाई ज़िंदगी ऐसा है ना कि कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसको छीनना पड़ता है। कोई भी चीज़, आप सोचो अगर हमें घर बैठ के मिल जाए, नहीं मिलता भाई, उसके लिए लड़ना पड़ता है। जैसे अपने देश के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए बॉर्डर पे फोर्स फौजी लोग लड़े थे, वैसे हमें अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं घर बैठे हर चीज़ हो जाएगा, नसीब में होगा हर चीज़ आएगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं है। बेटा, नसीब को लिखना पड़ता भाई, नसीब लिखना पड़ता खुद से। ये आप मत सोचो कि पैदा हुआ हूँ तो नसीब में जो हो रहेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं, नसीब को खुद से बनाना पड़ता है। मालूम है, आज भी हमारे भारत देश में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख के अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई तो उन लोग ने कर लिया, लेकिन उसके आगे वो लोग ये नहीं सोचे खाली नौकरी पे रुके रह गए, ये नहीं सोचे कि और बिजनेस हम कर सकते हैं। आजकल के लोग सोचिए, छोटे कास्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो कि मेहनत नहीं करना चाहते। मालूम है कि वो सोचते हैं हम आगे सफल ही नहीं हो पाएंगे, डर उनके अंदर पहले ही रहता है कि हम कितना भी मेहनत करें, क्योंकि छोटे कास्ट के लोग जो हैं बहुत पहले से गरीबी को झेलते आए हैं। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एक हाथी जब बच्चा रहता है, मतलब छोटा सा बच्चा जब रहता है ना, तब उसको जंजीर में बांध के रखा जाता है। बचपन से बड़ा हो जाता, जंजीर में बांध के रखा जाता, जब बड़ा हो जाता है ना, उसके अंदर इतना ताकत रहता है कि वो जंजीर को तोड़ सकता है, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ भरा रहता है कि मैं इसको कभी नहीं, क्योंकि बचपन में जब उसको लगाया गया था तभी बचपन से वो कोशिश कर रहा था, नहीं टूटा। जब बड़ा हो गया तो वो चीज़ उसके दिमाग में भर गया कि अब इस चीज़ को मैं नहीं तोड़ पाऊँगा, वो हार मान चुका है पहले से। और कोशिश करता तो वो बड़े, जब वो बड़ा हो गया ना, ताकत बहुत होता उन लोग के पास, वो तोड़ सकता था। लेकिन जब बड़ा हो गया, उसको मालूम है बचपन से तोड़ते आया हूँ, कभी तोड़ नहीं पाया तो अब क्यों तोड़ पाऊँगा। तो वैसे ही हमारे गरीब लोग भी ना, बचपन मतलब गरीबी देखते आए हैं, तो वो लोग फिर सोचते हैं यार कुछ होने वाला नहीं है, कितना भी मेहनत करेंगे ये दो वक्त की रोटी सुकून से मिल जाए वही बहुत। लेकिन मालूम है, हर एक इंसान, आप किसी भी बड़े से बड़े आदमी को देख लो, किसी भी बड़े से बड़े, कोई हीरो ले लो, कोई बिजनेसमैन ले लो, कोई नौकरी चेकरी वाला आदमी ले लो, कोई भी हो दुनिया में, हर एक आदमी इसी ज़मीन से उठा है। मालूम है, आज कुछ भिखारी लोग करोड़पति हैं, क्यों हैं? क्योंकि वो भी एक मेहनत है, दिन भर वो लोग बैठ के मांगते तो वो भी एक मेहनत है, भले वो मांग रहे हैं लेकिन बैठ तो रहे हैं, जगह पे बैठ रहे हैं, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा बैठ के मांग रहे, वो भी एक मेहनत है। आप और हम नहीं कर पाएंगे। आजकल के लड़कों को देखो, आजकल के लड़के ऐसे हैं, कोई भी काम करते तो उनको शर्म आता, कोई पूछ लेता है ना
क्या करते हो, तो हो सकता थोड़ा गंदा काम हो। काम सब कोई करता, छोटा या बड़ा सब कोई, लेकिन उनको शर्म आता कि बता दूंगा, काम करेंगे कुछ और लेकिन बताएंगे कुछ और, क्योंकि बोलेंगे अरे यार तू इतना गंदा काम करता है। अरे भाई काम कर रहा, चोरी तो नहीं कर रहा है ना, कौन क्या बोल रहा, बोलने देना, चोरी नहीं कर रहा है ना तू, पैसा कमा रहा, मेहनत की पैसा कमा रहा, पसीना फेंक के कमा रहा, काय को शर्म करने का। ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में। तो दोस्तों ये ज़िंदगी बहुत कुछ दिखाती है। देखिए बिना ज़िंदगी में ठोकर बहुत ज़्यादा लगता है। अगर जब हम बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई हमारा हो जाता है, माँ बाप सब कुछ करते हैं अपने लिए, जो भी होता है उनसे, जो भी गरीबी में जो भी व्यवस्था होता है, वो लोग अपने हिसाब से हमें प्यार पोषण देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे लोग बड़े हो जाते हैं भाई, तो बोलते हैं हमारे लिए किया ही क्या है, माँ बाप को बोलते हैं हमारे लिए। उनको ये नहीं मालूम कि बचपन में माँ बाप कैसे उनको पढ़ाया लिखाया पाला पोसा। लेकिन मैं अपने कास्ट की बात करूँ तो हमारे कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। क्यों गरीब होते हैं, वो अपने वजह से होते हैं। इनको भाई क्या है ना, मेहनत ना करना पड़े हमारे कास्ट के लोग, और इनके दिमाग में बचपन से गोबर भरा है कि हमको 10,000 की नौकरी करना है और उसमें कमाना, दो वक्त की रोटी आराम से खाना। मालूम हमारे कास्ट के लोग क्या करते हैं, मुंबई दिल्ली जाएंगे, 6 महीना अगर कमाएंगे ना तो साल भर आके घर पे बैठ के खाएंगे। तो ब्रो ऐसे थोड़ी ना होगा, ज़िंदगी को खुद से बनाना पड़ता है, बनता कुछ नहीं है, ऊपर वाला तुम्हें कुछ देकर भेजता थोड़ी, नंगा भेजता, नंगा कपड़ा तक नहीं देता, यहाँ लोग आके देखते हैं, देते हैं, तो इतना कोई नहीं सोचता है ज़िंदगी में। मैं देखिए मुझे कोई चीज़ जो भी पालन पोषण घर वाले ने दिए हैं, सिखाए हैं जो भी, लेकिन ज़िंदगी जीना, मैं जब ज़िंदगी दुनिया में निकला ना, दुनिया देखा, तब मुझे समझ में आ गया ज़िंदगी क्या चीज़ होती। हर चीज़ माँ बाप सिखाएंगे, खाना खाना, बैठना सोना, बैठना पढ़ाना, ये वगैरह वगैरह, लेकिन ज़िंदगी जीना खुद से सीखना पड़ता है। वो तुम्हें अपने आप, जब दुनिया में निकलोगे ना तो तुम्हारा दिमाग अपने आप बढ़ जाता है, कैसे क्या करना है, कैसे चलना है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई रहती है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं रहता, कोई फिक्र नहीं रहता, कोई बोझ नहीं रहता, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। जब एक दिन आपकी शादी हो जाती है तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। जिम्मेदारी तो आ जाती कि बट कुछ लोग उसी में है ना, इस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाते। उनके पास रहता जिम्मेदारी, लेकिन जिम्मेदारी को मालूम है वो लोग कैसे निभाते हैं, दारू पी के वो जिम्मेदारी को एकदम मतलब ख़त्म किए रहते हैं। नशे में रहते हैं तो टेंशन मुक्त रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता उनको, इसलिए क्योंकि जब तक, हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है ना कि बिंदास रहते हैं ज़िंदगी में, कोई टेंशन उनको नहीं रहता है, पता नहीं कैसे रहते हो हमें नहीं मालूम। हम एक मिनट भी घर पे बैठे रहते हैं ना तो सोचते हैं हमें करना क्या है, हम अपनी बातें कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं। एक मिनट भी अगर घर पे बैठे रहते हैं तो सोचते रहते हैं दोस्तों क्या करें क्या करें, कुछ ऐसा करें, कुछ बड़ा करने की कोशिश हमेशा करते हैं, क्योंकि देखिए बिना सोच का कुछ नहीं होता और बिना संघर्ष का कुछ नहीं होता, और बिना सोचे कोई चीज़ होता भी नहीं है। कोई भी आदमी बोले ना कि मैं सोचता नहीं हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, पहले माइंड में सोचना पड़ता है। बोलो कोई भी भोके, कोई पैसा वाला हो, कोई भी हो, कुत्ते की तरह भोके, मैं भाई सोचता नहीं हूँ डायरेक्टली करता हूँ, नो हम मान नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि बिना सोचे आप कुछ कर ही नहीं सकते हो ब्रो। आप क्या ऐसे डायरेक्ट पैसा लेके कहाँ पहुँच जाओगे, पहले माइंड में सोचते हो हमको ये चीज़ करना है, उसको सोच बोलते हो। माइंड में आप ये चीज़ सोचते हो कि हमको ये चीज़ करना है, वहाँ जाना, तो सोच ही हुआ ना कि वहाँ जाऊँगा, ये चीज़ को लाऊँगा, घर बनवाऊँगा, ये करूँगा, वो सोच उसी को बोल। बट आज कल के जनरेशन में भाई हमारे छोटे बड़े जो भी भाई बहन हैं, लड़कियां तो जो हैं सो ही हैं, उनका कोई वो नहीं। आजकल तो हमारे गरीब खानदान में पढ़ा नहीं रहे लोग लड़कियों को, बट जो लड़के हैं ना उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा देख लें, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, माँ बाप बहुत थी, गरीबी में पाले पोसे जो भी, तो कोशिश तो उन लोग अपने हिसाब से किए, बट हम पढ़ नहीं पाए, क्योंकि हमारी बचपन से एक इच्छा थी कि हम
कुछ बड़ा करने की कोशिश करें और कर रहे हैं, आज तक लड़ाई को लड़ रहे हैं, जारी है। बड़ा करने की कोशिश हमारा बचपन से था और अब भी है। मैं हमेशा किसी को मालूम नहीं, हमेशा बड़ा करने, मैं मुंबई दिल्ली कहीं भी रहूं, मैं कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूं, बट हो सकता है कि नसीब, मैंने बहुत कुछ किया, संघर्ष किया, बहुत कुछ किया, हो सकता है मेरा नसीब उस चीज़ में नहीं हो, उस चीज़ में मैं नहीं फाइनल हुआ, और कुछ किया उसमें भी नहीं फाइनल हुआ, हो सकता है मेरा कहीं और लक हो, या मेरे ज़िंदगी में कुछ और हो, या तो मैं रंक हूँ या तो मैं भिखारी बनूँ। तो कहीं ना कहीं नसीब को अपने आप से बनाना पड़ता है। जो भी भाई बहन हैं, भाई ये मत सोचो कि कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो, हासिल नहीं कर सकते। हर एक इंसान ज़मीन से उठा है, ज़मीन से ही पला बड़ा है, ज़मीन से ही आज आसमान तक पहुंचा है। क्यों पहुंचा? मेहनत किया है। तो सबके पीछे, जो भी आज बड़ा है, सबके पीछे कुछ ना कुछ जर्नी होती है, या तो गरीबी होती है या तो कुछ, लेकिन भाई करता सब कोई है, मेहनत सब कोई करता है। आप सोचेंगे कि मेहनत कोई नहीं करता, लेकिन कोई भी काम जो भी किया है सब लोग मेहनत से किए हैं और मेहनत हम भी कर रहे हैं। बट प्यार सपोर्ट ये अलग की बात हो गई। देखिए, जब संघर्ष के लिए हम निकलते हैं ना, हम कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम अपनी संघर्ष की कहानी बता रहे हैं, जो भी हमने ज़िंदगी में सीखा है, लोगों को थोड़ा सा सुझाव देने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेशनल आए। क्योंकि आजकल के जो लड़की लड़के लोग हैं ना, उम्र के साथ साथ वो टूट भी जाते हैं। बहुत पहले ज़माने के आदमी थे ना, वो लोग संघर्ष में बहुत ही माहिर रहते, संघर्ष उनको कितना भी करना पड़े वो लोग टूटते नहीं थे, पूरी ज़िंदगी अपना जी लेते थे, पूरी ज़िंदगी, जब तक कि उनकी मौत नहीं होती तो संघर्ष करते रहे। लेकिन आजकल के लोग हैं, दो चार महीना संघर्ष करेंगे ना, पूरी उम्मीदें तोड़ देते हैं, पूरी उम्मीदें उनको, अब मन में इतना हो जाता कि अब भाई मैं, मेरे बस की बात नहीं, अब कुछ नहीं कर सकते। बट वही कुछ लोग लड़के हैं ना, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल चीज़ें देख के मोटिवेट हो जाते हैं, जैसे हम ही समझ लीजिए, हम बहुत ऐसे चीज़ें देखते हैं फालतू चीज़ें, मतलब देखिए यूट्यूब पे लोग फालतू चीज़ें ज़्यादा देखते हैं, हमने देखा इस चीज़ को। मैं कुछ समय से यूट्यूब पे मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ गंदी चीज़ें जो वीडियो आ रही हैं यूट्यूब पे ना, बहुत ही ज़्यादा। एक होली में एक वीडियो, मात्र एक मिनट का वीडियो आया था मालूम है, मात्र 2 से 3 घंटे में 2 से 3 घंटे में 1 लाख